ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो किंग पे। आज की वीडियो में बात करेंगे मंगल खाना नंबर 9 में हो तो कैस के पॉजिटिव और कैस के नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, साथ ही साथ इसकी रेमेडीज के बारे में जानेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था लाल किताब के कुछ सूत्रों के बारे में, आप उस वीडियो को जरूर देखें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। मंगल 9 के समय भाई के साथ मिलकर रहने से कुंडली वाले की तरक्की होगी, यानी जिनका भी मंगल 9 में है भाई के साथ मिलकर रहने से इनकी कुंडली वाले की तरक्की होगी। मंगल 9 के समय कुंडली वाले को मंगल के कारोबार उत्तम फल देंगे। मंगल 9 के समय कुंडली वाले को मंगल के कारोबार बहुत उत्तम फल देंगे। मंगल 9 में अगर अकेला हो तो कुंडली वाले को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि मंगल 9 के समय अगर मंगल 9 में अकेला हो तो कुंडली वाले को इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी। मंगल 9 में हो बड़ी भाभी की सेवा करना किस्मत का साथ मिलेगा। मंगल 9 के समय अपनी बड़ी भाभी की सेवा करेंगे तो इनको किस्मत का साथ मिलेगा। मंगल 9 के समय जब चंद्र या शुक्र का साथ मिल जाए या दृष्टि संबंध हो जाए, चंद्र और शुक्र दोनों के उच्च फल होंगे चाहे सूर्य कुंडली में कैसा भी हो। मंगल 9 के समय जब चंद्र या शुक्र का साथ मिल जाए या दृष्टि संबंध हो तो चंद्र और शुक्र दोनों का फल उत्तम होगा चाहे सूर्य कुंडली में कैसा भी हो। मंगल 9 के समय बुजुर्गों के लिए सूर्य 2 का फल पैदा होगा, यानी कि मंगल 2 के समय बुजुर्गों के लिए सूर्य 2 का फल पैदा होगा। 3-5 को नेक रखना जरूरी है, यानी कि खाना नंबर 3 और 5 को नेक रखना जरूरी है। मंगल 9 के समय माता और पिता इनका फैसला चंद्र और गुरु की हालत पर होगा। मंगल जब भी 9 में हो माता और पिता इनकी हालत का फैसला चंद्र और गुरु की हालत पर होगा। मंगल 9 में अगर नेक हो तो 13 वर्ष माता पिता के लिए उत्तम और 28 वर्ष में खुद व्यक्ति राजा के दर्जे का इंसान होगा, यानी मंगल 9 में यदि नेक हो तो 13 वर्ष तक माता पिता के लिए उत्तम होगा और 28 वर्ष में खुद व्यक्ति राजा के दर्जे का इंसान होगा। इसके लिए एक रेमेडी भी है, बड़े भाई का आशीर्वाद लेता रहे, जिनका भी मंगल 9 में है बड़े भाई का आशीर्वाद लेता रहे तो तरक्की करता जाएगा। मंगल 9 में अगर बद हो जाए और कुंडली वाला नास्तिक हो तो समाज में कुंडली वाले की पिता की और उसके दादा की बदनामी होगी। मंगल 9 में यदि बद हो जाए तो कुंडली वाले के और कुंडली वाला नास्तिक हो तो समाज में कुंडली वाले के पिता की, दादा की और कुंडली वाले की इनकी बदनामी होगी। मंगल 9 में कुंडली में यदि बुध मंदा हो या बुध मंदा हो जाए तो कुंडली वाले के माता पिता दुखी तंग हाल होंगे। मंगल 9 के समय कुंडली में यदि मंगल बद हो यानी कि बुध मंदा हो तो कुंडली वाले के माता पिता दुखी और तंग हाल होंगे। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो जाइए उन वीडियो को जरूर देखें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग में से कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सो जाइए उस नंबर पर आप में से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।